कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर राजधानी के एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड स्थित अपोलो अस्पताल ले आए हैं, लेकिन आज हम मेडिकल की खबर नहीं बल्कि समर्थ नारी समर्थ भारत की खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत पास में है, 1911 में ऑस्ट्रिया में इसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद 1914 को जनवरी में 8 मार्च की एक मोहर लग गई थी, पूरी दुनिया ने लगा दी थी और पूरी दुनिया एक ही बात कहती है कि कोमल है तू पर कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, महिला दिवस का ये आयोजन आज समर्थ नारी समर्थ भारत के संस्था के अंतर्गत अपोलो मेडिक्स अस्पताल राजधानी लखनऊ में हो रहा है। इस मौके पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी की वाइफ नम्रता पाठक, शहीद कैप्टन मनोज पांडे जो लखनऊ के हैं, उनकी माता जी मोहिनी पांडे जी और भी बहुत सारे लोग यहां पर आज मौजूद हैं और मुख्य अतिथि के रूप में ज्योति सिक्का हैं जो अपर शासकीय अधिवक्ता हैं उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच की। उनके साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और भी बहुत जिलों से संस्था जो समर्थ नारी समर्थ भारत है उसकी कार्यकर्तियाँ यहाँ पर आई हैं। नम्रता पाठक जी ने आज यहाँ दीप प्रज्वलित किया और साथ ही जो इस वर्ष का इस संस्था का जो लोगो है उसको भी लॉन्च किया। दोस्तों, ये संस्था पूरी महिला सशक्तिकरण को लेकर के पूरी दुनिया में काम कर रही है और जो इसकी राष्ट्रीय संयोजिका हैं वो लखनऊ की हैं नीरा सिन्हा वर्षा जी। उन्होंने कहा कि अबला को सबला बनाने के लिए ही इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और 2 सालों में पूरे राष्ट्र का दौरा करके संगठन का काफ़ी हद तक विस्तार किया गया है। यहीं उन्होंने ये भी कहा कि महिला संगठन समर्थ नारी समर्थ भारत का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है महिलाओं को, बेटियों को शस्त्र से शास्त्र तक और रोटी से रोजगार तक जोड़ना है और ऐसी विचारधारा बनानी है जिसके साथ महिलाओं का सशक्तिकरण करें। इस मौके पर लखनऊ की प्रमुख गायिका जया श्रीवास्तव मौजूद थी जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजनों के साथ और भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ में आज ये महिला दिवस यहाँ पर मनाया गया। दोस्तों, ये संस्था जो समर्थ नारी समर्थ भारत है वो न केवल सांस्कृतिक रूप से महिलाओं को मजबूत करती है बल्कि जो कानूनी रूप से भी महिलाओं को मजबूत किया जा सके उसकी दिशा में भी काम करती हैं। आज इस मौके पर अपोलो मेडिक्स का भी पूरा परिवार, जितना महिला स्टाफ था वो आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।